दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 26 जून 2021 है। देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, आज का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। अभी हमें परमात्मा ने एक मैसेज दिया कि मंगल ईश्वर बोलो, वह क्या उसका हेडिंग है, विषय है, किसान आंदोलन कब तक सफल नहीं होगा। देखो छोटा सा मैसेज है बट इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। किसान आंदोलन कब तक सफल नहीं होगा, यानी कि ये कब सफल होगा, उसी से रिलेटेड है। इसका उत्तर परमात्मा ने बताया है कि देखो इस ये ट्राइंगल ले लो। उसने परमात्मा ने इस ट्राइंगल को मेरे सामने चमकाया। ये तीनों चीज़ें इसकी क्या बताती हैं, पहले ये बता देते हैं। लाइट कम होती जा रही है, फिर हम इसका डिस्कशन करते रहेंगे। यह जब तक सफल नहीं होगा, जब तक इसमें तीन किसानी बिल से पहले, ईवीएम पुलवामा और सीए इत्यादि को नहीं शामिल कर लिया जाता, जब तक इसमें मतलब सफल होने के लिए ज़रूरी है कि उनको शामिल किया जाए। दूसरा क्या उसने बताया, जब तक ये हिंसक नहीं हो जाता, तीसरा जब तक ये मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया को मान नहीं लेता। ये जो मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया हम जो बताते रहते हैं, जब तक ये आंदोलन इसको मान नहीं लेता तब तक सफल नहीं होगा। दोस्तों ये समझ लो कि ये तीन माइलस्टोन्स हैं, तीनों तरफ इनको टच करना पड़ेगा, तब जाकर के किसान आंदोलन सफल होगा। सफल तो बस होगा, लेकिन अब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, लेकिन इसको इन तीनों बिंदुओं को टच करना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसान आंदोलन कब तक सफल नहीं होगा, जब तक इसमें पहले नंबर तीन किसानी बिल से पहले ईवीएम पुलवामा सीए जैसे सब्जेक्ट शामिल नहीं कर लिए जाते, शामिल भी कर लिए जाएं इनसे पहले नंबर, जब तक ये हिंसक नहीं हो जाता दूसरा नंबर, जब तक यह एमएमजीआई को मान नहीं लेता, मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया जो हम इसमें बताते रहते हैं। देखो इसको चाहे आप कितना ही छोटी सी चीज़ समझें कि भाई ये क्या बता रहा है, ऐसा क्या है भाई, लेकिन ये पक्के हैं। दोस्तों देखो असल में ये हमें थोड़ा थोड़ा पहले ही पता था, लेकिन अब और उसने परमात्मा ने क्लियर कर दिया जब हमने उससे पूछा। अब ऐसा क्यों होगा भाई, इनका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं। जब तक इसमें तीन किसानी बिल से पहले ईवीएम पुलवामा सीए को नहीं शामिल कर लिया जाता, असल में जो यहाँ दुनिया में काम होते रहते हैं, ये काम कोई आदमी नहीं करते, नेशन ही नहीं करता, हुक्मरानी नहीं करते, ये परमात्मा भी अपना काम करते रहते हैं और ये परमात्मा की सारी दुनिया है। इसलिए इन किसानों से वह भी काम कराना चाहता है जो किसानों के दिमाग में है ही नहीं। अब भाई परमात्मा वह काम कराने के लिए और किस किस को खड़ा करेगा, उसने इन्हें जो खड़ा किया है वो तीन किसानी बिलों के लिए नहीं बल्कि और बहुत सी चीज़ों के लिए भी किया है। और ये तो सीधा है कि ईवीएम पुलवामा सीए का इसमें पहला नंबर है, उससे और क्या फ़ायदे हैं कि इससे क्या है कि इसका जनरलाइजेशन होता है,
यह नेशनल लेवल पर आता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर आता है। अभी ये सिर्फ किसानी मिलों को लेने से ये सुकड़ा हुआ है, चाहे लाखों लोग ही क्यों नहीं बैठे हुए हों। इसलिए परमात्मा इन किसानों की अपार शक्ति से, अपार जन भावना से, और ये सब काम भी कराना चाहता है जो करने पड़ेंगे। इसलिए इस परमात्मा ने बताया कि जब तक इसमें तीन किसानी बिलों से पहले ईवीएम पुलवामा और सीए को नहीं शामिल कर लिया जाता, अच्छा दूसरा नंबर ये क्यों हुआ भाई, जब तक ये हिंसक नहीं हो जाता। इसका क्या मतलब है कि भाई ये हिंसक होने के बाद ही क्या इसमें होगा? हाँ, परमात्मा ने कहा है, इसका हमारा फिजिकल एक्सप्लेनेशन भी है, सोशल एक्सप्लेनेशन भी है। इस दुनिया में रिजल्ट कोई ऐसे ही नहीं निकलते, उनके एक डेफिनेट रीजंस होते हैं। क्या रीजंस होते हैं? यदि कोई आपके साथ में बंदूक से लड़ाई कर रहा है, लेकर सामने लेकर खड़ा है, तो आप उसका मुकाबला मुक्कों से नहीं कर सकते, आप उसका मुकाबला डंडों से नहीं कर सकते। यदि आपने मुकाबला इनसे किया तो आपको हारना ही है। एक बात, अब भाई इसमें ये कहोगे कि भाई हिंसा तो हमारा संविधान अलाउ नहीं करता। पक्का है हिंसा अलाउ नहीं करता, लेकिन हुक्मरानों को भी संविधान है ये अलाउ नहीं करता कि वे संविधान के विरुद्ध कार्य करें, कि वे ईवीएम की चोरी करें या इतने बड़े गफलत का काम करें। यदि वो हुक्मरान बन गए हैं तो, यदि इन्होंने ऐसा किया है, मान लो ईवीएम पुलवामा जैसे कांड किए हैं, बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार किया है और सारा काम, ज़्यादातर काम संविधान विरोधी किया है, तो उनका तुम मुकाबला संविधान की धाराओं से कर ही नहीं सकते। जैसे कि बंदूक का मुकाबला तुम घूसबाजी से नहीं कर सकते, डंडे से नहीं कर सकते, मोटरसाइकिल का मुकाबला आप पैदल चलकर नहीं कर सकते। आपको हथियार तो उसी तरह का लेना पड़ेगा जो हथियार सामने वाले के पास है। और सीधी सी बात है, यदि हम जब ये सोचते हैं तो हम पाते हैं कि जब तक ये हिंसक नहीं होगा रिजल्ट नहीं निकल सकता। हो सकता है कि हिंसक होने के बाद में भी उल्टी समस्या ज़्यादा आए और फिर लेट हो, लेकिन ये रिजल्ट निकलेगा तभी। हुक्मरानों के कामों को देखते हुए ये तय है कि यह रिजल्ट हिंसक होने के बाद ही उसका रास्ता बनेगा कि इसका सॉल्यूशन निकले। तीसरा नंबर, जब तक ये मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया को मान नहीं लेता, इसके कर्णधार जो भी हैं एक लिमिटेड एरिया में घूमते हैं। देखिए, मैं उनका कोई बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन हमें अपने लार्ज परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को लेना होता है। इन बड़े किसानों के पास धन है, जनबल है और बहुत कुछ है, समय है, फिर इसलिए इनके बहुत काम कर सकते हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उन गरीब SC ST वालों के लिए कौन आंदोलन करेगा? लोअर OBC वालों के लिए कौन आंदोलन करेगा जिनके पास पैसा नहीं, समय नहीं, हिम्मत नहीं, जनबल नहीं, जिनके पास शिक्षा नहीं, वो जानते नहीं कि क्या नहीं करें क्या करें। इसलिए ईश्वर ने बहुत कुछ ये मैनेज कर रखा है कि भाई इनके बाद ही संभावना बनेगी कि ये सफल हो। इनके बाद में भी ये मत समझना कि इमीडिएटली हो जाए, लेकिन ये तीनों शर्तें तो इनको लगभग पूरी करनी ही पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, किसान आंदोलन कब तक सफल नहीं होगा? जब तक इसमें तीन किसानी बिलों से पहले ईवीएम पुलवामा सीए को पहला नंबर नहीं दे दिया जाता, जब तक यह हिंसक नहीं हो जाता, जब तक यह MMGI को
मान नहीं लेता। देखो मैं छोटा सा आदमी हूँ, आपके सामने अपने विचार प्रकट करता रहता हूँ, लेकिन मुझे मेरा कोई प्रचार भी नहीं है ज़्यादा, मुझे कोई जानता भी नहीं है, लेकिन देखना इस मंगल के विचार इतने प्रभावशाली हैं, मुझे पता है क्यों प्रभावशाली हैं, और ये अपना असर दिखाएंगे भविष्य में। और आप कहोगे कि भाई ऐसा ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं अपने विचारों को मेरे वीडियोज़ में रिकॉर्ड करा रहा हूँ कि देखो मैंने ऐसा कहा था और ऐसा हुआ, बहुत जगह ऐसा होता है। इसलिए आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ये जाने अनजाने में ये पॉइंट्स आएंगे, देख लेना आप। जय हिंद, जय भारत।